नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फिलहाल मैं ललिता घाट पे हूं और आज मेरा कुछ संडे का प्लान था, तो आप सोचे क्यों ना चल के हम गंगा में स्नान करते हैं। तो आज हम गंगा में स्नान करने आए हैं, तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये आप देख सकते हैं पशुपति नेपाली मंदिर, ये मंदिर जाने का मार्ग यहाँ से है और आज हम लोग नहाने वाले हैं यहाँ पर। ये जो रैंप बना हुआ है नहाने के लिए, क्योंकि मैं पिछली बार वहीं पर नहाया था तो मैं वीडियो शूट नहीं किया था, एक्चुअली मैं गेस्ट के साथ था। तो आज संडे का दिन है तो हम सोचे क्यों ना आज खुद के लिए टाइम निकालते हैं और खुद के लिए चलते हैं गंगा में स्नान करना। ड्यूटी पीरियड में बहुत सारे ड्यूटी करते हैं, लेकिन क्या होता है ड्यूटी पीरियड में गेस्ट के साथ होते हैं तो गेस्ट के साथ मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई साइट सीन कराना मेरा ड्यूटी है। और देखा जाए यहाँ पर बात तो आप लाइट देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। सुबह हो चुकी है जैसा आप देख रहे हैं, ये सनराइज़ का नज़ारा है। और जैसा आप देख रहे हैं वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है और फिर ये है आपका काशी विश्वनाथ का 2.0 कार्य, जो लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही बाकी है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये नेपाली मंदिर है जिसको हम मिनी खुजराहो को भी कहते हैं। ये जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे होंगे ये पशुपतिनाथ मंदिर का ये सुबह का आरती हो रहा है जो हर सुबह होता है। और एक ललिता घाट है आपका, ऐसे ही आगे चले जाएंगे आपके सामने गंगा जी का व्यू है। और ये रैंप है जहाँ से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गंगा स्नान किए थे, और फिलहाल हम गंगा स्नान यहीं पे करेंगे। बने रहिए, आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं विश्वनाथ मंदिर में भी चलने वाला हूँ तो वहाँ का भी मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। देखिए घाट पे वीडियो बनाना नॉर्मली हम बना सकते हैं, लेकिन मैं टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हूँ, एज ए मैं टूर गाइड का काम करता हूँ। तो जब भी मैं घाट पे आता हूँ तो अपने गेस्ट के साथ रहता हूँ, तो गेस्ट के साथ मैं बोट राइड कर लेता हूँ, गेस्ट के साथ सब कुछ करता हूँ, तो मुझे मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है, क्योंकि मैं अपने गेस्ट के साथ ना मैं खुद अकेले आया हूँ, तो मैं इसलिए सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाता हूँ सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि गेस्ट के साथ हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो आज बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ वीडियो को मैं आपको। जहाँ पर हम इस समय गंगा में स्नान कर रहे हैं, हम आपको ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन साइट था तो यहाँ पे कंक्रीट की मोटी मोटी दीवार जैसा है, आप यहाँ पे कूदे नहीं और पानी के अंदर मोटे मोटे छड़ निकले हुए हैं जो कि उसको हटाया नहीं गया है। तो कृपया आप सुरक्षित बरते यहाँ पे गंगा स्नान से पहले। तो दोस्तों हम गंगा में स्नान कर लिए हैं और जैसा आप देख रहे हैं सामने मणिकर्णिका घाट है। सुबह के 6:10 हो रहा है और इधर का तो कार्य लगभग कंप्लीट है और इधर का कार्य देखेंगे तो आप बहुत तेज़ी से हो रहा है। सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है और बहुत सारे दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं फिलहाल वीडियो में ये आपका मुख्य द्वार है, जो कॉरिडोर बनने का 2.0 जिसे हम कहते हैं।
हाँ, ये सामने आप देख रहे हैं जो ये कार्तिकीय स्कूल है, और जैसा आप देख रहे हैं सामने, एक्चुअली ये लगा हुआ है रैंप क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही थी, तो काफ़ी तेज धूप की वजह से ये सब स्टोन ही है ना, तो जलने लगते थे, तो उसके लिए ये लगाया गया है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको दिक्कत ना हो चलने में। कैमरा चालू था, हम भूल गए थे, कैमरा का चालू करके छोड़ दिया था हमने। जैसा आप सामने देख रहे हैं अहिल्या बाई होलकर जी हैं, और ये आपका मुख्य गेट है, ये गेट नंबर 1 है, यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। आप विश्वनाथ मंदिर में जाके हम लोग दर्शन पूजन करते हैं, आपको मंदिर का शिखर दिख रहा होगा, गोल्डन रंग का कलर का दिख रहा है, चमक रहा होगा क्योंकि धूप सुबह हो चुकी है तो इधर ही से लाइट जा रही है। आए सामने देख रहे हैं 5 टावर्स, सब पे अपने सनातन धर्म का झंडा फहर रहा है, यानी भगवा रंग का झंडा फहर रहा है। और ये नीचे देख रहे हैं बहुत सारे टूरिस्ट, ये पर डे टूरिस्ट आते हैं, और ये मुख्य द्वार है, और यहीं से गेट नंबर 1 चले जाते हैं हम लोग, और गेट नंबर 1 से निकल के सामने गंगा माँ का दर्शन हो जाता है।